अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जिस चीज़ पे वर्किंग की थी, इट वाज रिलेटेड टू यूपीसी कोर्स एंड एफएनएसक्यू बार कोर्स फॉर योर प्रोडक्ट और शिपमेंट प्रोसेस। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू एंटर इन द प्रोसेस। लाइक हमने लास्ट टाइम ये डिटेल में देखा था कि यूपीसी कोड कहाँ यूज होता है। ठीक है, और मैंने मेंशन किया था कि यूपीसी कोड जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में एज अ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मेंशन होता है। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, लिस्ट के बाद जब फॉर एग्जांपल अभी हम सोर्सिंग के टॉपिक पर थे और सोर्सिंग का सारे टॉपिक को हम लोग स्टडी करके आ रहे हैं, तो सोर्सिंग जब आपकी होने के बाद आपकी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो जाती है और आपका सेलर आपकी प्रोडक्ट को रेडी है शिप करने के लिए, तो उस टाइम पर आप अपनी शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं और शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद आप लेबल जनरेट करते हैं और वही लेबल फर्दर आपकी प्रोडक्ट्स पे यूज होते हैं। और वो सारा मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से एफएनएसक्यू लेबल जो है उसको प्रॉपरली आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है, यूज करना है और किस तरह से वो चीजें मैनेज होती हैं। नाउ हम जो है वो देखेंगे कि एक्चुअली वो एफएनएसक्यू जनरेट कैसे होते हैं, हम शिपमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड के क्या उसका प्रोसेस है और हमें उस पर फर्दर क्या करना है। ठीक है, अभी आप जैसे देखते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं कि हम शिपमेंट पॉलिसी क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री, यहाँ से आप मैनेज इन्वेंट्री पर जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये बार खुल जाएगा। ठीक है, मतलब जब आप मेन पेज पर होंगे उसके बाद आप मैनेज इन्वेंट्री पर आएंगे, तो आप इस यहाँ पर जहाँ पर आपने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है, जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग शो हो रही होती है, उस पेज पर आप आ जाएंगे। देन फॉर एग्जाम्पल हमने इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। ठीक है, तो देन आप जाएंगे सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, जस्ट क्लिक इट और देन आप इसको इस पर आप डायरेक्ट क्लिक कर लें। अब आप यहाँ देखें कि जब सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री आपने किया है तो वो आपसे पूछ रहा है आपको, आपने यहाँ पर एक्चुअली मेंशन क्या करना है कि आपने पहले एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है। ठीक है, आप जो भी शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ से लेबल जनरेट करने हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले शिपमेंट प्लान क्रिएट कर चुकी हूँ, अगर सॉरी क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट, अगर आप न्यू केस पैक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है और मैंने उसके अगेंस्ट एक न्यू शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। ठीक है, आप अपना एक टेम्पलेट का नेम रख लेंगे, यानी कि जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल आप जो भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसका नाम आप रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट पर बॉक्स के एक बॉक्स में कितने यूनिट है। ठीक है, फिर आपने उस बॉक्स की डायमेंशंस बतानी है, उस बॉक्स का वेट बताना है। ये सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं जहां पर आप एक्चुअली शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग आप कर चुके हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब क्या है हमारी, तो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली और प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद हमने अब अपने सप्लायर को अपने प्रोडक्ट जो लिस्ट की है उसकी वो डिटेल भेज दिया जो कि उसको रिक्वायर्ड है उस प्रोडक्ट को शिप करने के लिए अमेजोन FBA पर। ठीक है, और वो क्या रिक्वायर्ड है कि पहले हमने उसको FNSQ बार कोड देने हैं और देन हम उसके पैकेज लेबल उसको देंगे। एक लेबल वो होता है जो कि एक बॉक्स के अंदर अगर 100 यूनिट्स हैं तो 100 के 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर वो FNSQ पेस्ट होगा। ठीक है, और फिर जब वो बॉक्स बंद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो फिर हर बॉक्स के बाहर एक लेबल लगेगा। ठीक है, उस पैकेजिंग का एक लेबल बाहर लगेगा। अभी हम क्योंकि एक शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि आपके यूनिट पर बॉक्स में कितने यूनिट हैं, कितने उसका वेट है, क्या उसकी डायमेंशन है। ठीक है,
आप यहाँ पर अब अगर तो आपकी बहुत यहाँ पर आप इसकी डिफरेंट काइंड देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट आती है, ठीक है। अगर इनमें से कोई कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट आती है तो आप वो यूज करेंगे, बट मोस्टली यू नीड टू यूज द स्मॉल बिकॉज आप अभी स्टार्ट में हैं, आपने उन किसी कैटेगरीज में ये मोस्टली गेटेड कैटेगरीज या वो आती है जिसमें हम नॉर्मली शुरू में वर्किंग नहीं करते, तो आप स्मॉल इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है प्रेप सर्विस आपने अमेजोन से नहीं लेनी, आपने सेलर से लेनी है, तो ये मेजर सेटिंग्स अभी हमने यहाँ पे कर ली है। तो फॉर एग्जांपल हमने यूनिट पर बॉक्स भेज रहे हैं हम लोग 500, ठीक है, और उस पे वो कह रहा है कि बॉक्स की डायमेंशन क्या है, मैं यहाँ डाल देती हूँ 12 इंच, 13 इंच एंड 14 इंच, ठीक है, इट्स जस्ट अ रैंडम, और मेरा वेट बॉक्स का जो वेट है दैट इज 5 kg, ये LB में मांग रहा है तो हम इसको कर देते हैं, ओके, 5 या इसको आप 20 LB कर लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि हमने इसको इसकी डिटेल दे दी शिपमेंट की, देन मैंने इसको सेव कर दिया, सेव, अब वो कह रहे हैं कि क्वांटिटी एक्सीड करी है, द क्वांटिटी यू एंटर एक्सीड द एक्सेप्टेड लिमिट ऑफ फॉर यूनिट पर बॉक्स, ठीक है। अब मुझे आइडिया है कि ये लोग पर बॉक्स के अंदर अभी जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो 150 यूनिट है, ठीक है, हम 150 यूनिट उसको ऐड कर देते हैं और देन इसको सेव करते हैं। अब क्या है, अब ये देखें, हमने शिपमेंट प्लान एक क्रिएट किया, ठीक है, हमारा शिपमेंट प्लान क्रिएट हो गया, मैंने उसको बता दिया कि हमारा एक बॉक्स के अंदर 100 यूनिट्स है और उस बॉक्स के अगेंस्ट हमें उसका ये वेट है और उसको हमने सेंड करना है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने FNSQ जनरेट करने थे, जो कि कल जो इससे पहला लेक्चर है उसमें हमने डिटेल में उस चीज पर उसको देखा था, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि प्रिंट SQ लेबल्स का ऑप्शन आ गया, वो यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि यूनिट पर बॉक्स कितने, किस पर बॉक्स कितना है 150, यूनिट लेबलिंग किस है बाय सेलर हो रही है, ठीक है। तो क्वांटिटी टू सेंड, अब वो पूछ रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी सेंड कर रहे हैं, यानी आप कितने बॉक्सेस सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एक बॉक्स पे 150 यूनिट है, ठीक है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जितने बॉक्सेस सेंड करें उनमें इक्वल क्वांटिटी डालनी है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप 200 यूनिट भेज रहे हैं तो आपने फॉर एग्जाम्पल आप 150 से ज्यादा यूनिट एक बॉक्स में आपको वो अलाउ नहीं कर रहा, और ये भी आपने याद रखना है कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर डिफरेंट अकाउंट्स में हर तरह से डिफरेंट लिमिट्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आपको ये सेम लिमिट्स नजर आएंगी। अब ऑस्ट्रेलिया मार्केट में अगर हम काम करते हैं तो वो पर बॉक्स की ये लिमिट नहीं लगाते, लेकिन ये लोग अगर हमें इस वक्त ये लिमिट लगा रहे हैं तो हमें इसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर वो कह रहे हैं कि 150 यूनिट एक बॉक्स में होने चाहिए, तो फिर आप अगर दो बॉक्स भेज रहे हैं तो इक्वल यूनिट्स उनके डिवाइड करें, ऐसा नहीं करें, इस चीज़ से अवॉइड करना है आपने कि आपके एक बॉक्स में 50 यूनिट हो और एक बॉक्स में 150 यूनिट्स हो, इस चीज़ से अवॉइड करें। इन केस अगर आप 200 यूनिट्स भेज रहे हैं तो ट्राई करें कि उनको इक्वली डिवाइड करना है, 100-100 यूनिट्स को आपने इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे एक बॉक्स में 150 यूनिट्स हैं तो मैं 2 बॉक्स भेज रही हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स अंडरस्टूड, उसको डिटेल मिल गई है कि अगर मेरे ईच बॉक्स इस 150, अब देखिए मैं आपको वही बात बता रही थी, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा में ये मेंशन नहीं किया कि भाई मैंने एक बॉक्स के अंदर जो है वो इक्वल क्वांटिटी भेज रही हूँ या ये कर रही हूँ या इस तरीके से मैं मेंशन कर रही हूँ। ऑल्दो जब हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं ना तो वहाँ पर हम लोग हमें स्टार्ट में वो पूछता है कि ये आप कौन सी कैटेगरी में भेज रहे हैं, केस पैक है या इंडिविजुअल है, वो भी जब आप जब अभी क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह से न्यू लिस्टिंग नहीं है तो मैं आपको वो स्टेप भी बता देती, बट इससे पहले एक स्टेप ये भी होता है कि आप अमेजोन आपसे पूछता है कि आप कौन से केस में भेज रहे हैं, यानी आपके डब्बे में क्या डिफरेंट आइटम्स हैं या एक ही तरह की आइटम्स हैं, ठीक है, तो उनमें से जो आपकी कैटेगरी होती है आप उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फिर शिपमेंट प्लान के फर्दर स्टेप्स पर आते हैं। और अमेजोन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके एक बॉक्स, आप अगर एक से ज्यादा बॉक्स भेज रहे हैं तो आपके इक्वल यूनिट्स होने चाहिए, तो आप अगर मैंने पर यूनिट पर बॉक्स मैंने 150 यूनिट मेंशन किया है तो इट मींस कि मेरे अगर 2 बॉक्सेस हैं तो इट इज इक्वल टू 300 यूनिट्स, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि आर यू रेडी टू सेंड, तो मैं उसे कहती हूँ कि यस आई एम रेडी टू सेंड, ठीक है। तो
तो उसमें उसने कह दिया है कि आप 150 यूनिट भेज सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मेंशन हो चुका है कि मेरे 300 यूनिट हैं और 2 है, मैंने इसको कह दिया कि मैं रेडी टू सेंड हूँ, तो यहाँ से मैं अपने एसक्यू लेबल जो है उस अपने प्रिंट कर सकती हूँ, ठीक है। यानी मेरे एसक्यू के अगेंस्ट जो मेरे लेबल है, मेरी ईच प्रोडक्ट पर जो लगेंगे वो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि अब मैंने डाउनलोड करना है, तो उसने मुझसे पूछा है कि आपने किस साइज में डाउनलोड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग, अगर वो पूछता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो छोटी है या बड़ी है, उस हिसाब से हम लोग इनके इस इन लेबलिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोडक्ट अगर छोटी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी, अगर बड़ी है तो मैं मेरे लेबल कुछ बड़े होंगे ताकि कोई ताकि वो क्लियरली मेंशन हो सके या वो क्लियरली स्कैन हो सके। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने आपका क्या साइज है, आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना साइज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस साइड पर इस साइज पर जाती हूँ जिसमें एक पेज पर मेरी अगर प्रोडक्ट छोटी है तो मैं एक पेज पर 30 लेबल अपने प्रिंट करना चाहती हूँ, तो वो मेंशन कर देगा प्रिंट लेबल कितने, ऑब्वियसली मुझे 300 लेबल्स को प्रिंट करना है, ठीक है। आप प्रिंट के ऊपर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके पास एक फाइल आ जाएगी और उस फाइल में आपके पास 300 लेबल्स आ गए हैं। दैट्स कॉल्ड ये जो आपने जनरेट कर लिया, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी FNSQ और अपने लेबलिंग के ऊपर जब बात की थी, दैट्स कॉल्ड द लेबल जो कि आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करने हैं। आपके 300 लेबल्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, ये 300 लेबल आपने ईच प्रोडक्ट पे लगाने हैं, ठीक है। यहाँ से आपने प्रिंट करने हैं और यहाँ से आपको इसको फर्दर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि FNSQ हमने जनरेट करने हैं, वो यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंफर्म और कंटिन्यू करती हूँ, मेरा बॉक्स रेडी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी अपनी हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है मैंने लेबल निकाल लिया जो मेरी हर प्रोडक्ट पे लगेगा, ठीक है। अब वो मुझसे अब मुझे अपने ईच बॉक्स का लेबल भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने हमें बता दिया एक्चुअली कि शिपमेंट प्लान क्योंकि मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो उसने मुझे बता दिया है कि इस लोकेशन पर आपकी जो शिपमेंट है वो डिलीवर होगी, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने कब तक इसको शिप करना है, मैं कहती हूँ कि मैंने 10 जुलाई को इसको शिप करना है, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे बता दिया अमेजोन ने कि आपका ये एड्रेस होगा। अब मैं इसको नोट कर लूंगी जब मैं शिपमेंट अपना मतलब मेरे पास भी उसका एड्रेस सेव होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि उसने यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन कर दी है, टोटल 300 यूनिट है अगेंस्ट 1 SKU, बॉक्सेस आपके कितने हैं 2 हैं, इट मींस कि आप जो टोटल यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है अगेंस्ट 1 SKU दैट इज 300, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आप किसके थ्रू भेज रहे हैं। अगर आपको नहीं पता आप किसके थ्रू भेजेंगे, आप अदर सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपको पता है कि आप DHL या इनमें से कोई भी मेंशन करें आप उसके थ्रू भेजेंगे, तो मोस्टली पाकिस्तान से जो यूज हो रहा है अगर बाय एयर जा रहे हैं तो DHL यूज हो रहा है, अदरवाइज आप अदर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अदर को ही यूज कर लेती हूँ तो देन एक्सेप्ट चार्जेस एंड कन्फर्म। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अगर तो हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं कि अमेजोन की लेबलिंग यूज होगी तो अमेजोन हमसे कुछ चार्ज करेगा, बट हम लोग जो लेबलिंग है वो बाय सेलर कर रहे हैं तो अमेजोन हमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। देर इज यहाँ पर जो फी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फी मैंशन की हो रही है ये देखें, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 है, हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट शिपमेंट की या लेबलिंग की पे नहीं करनी पड़ी, ठीक है। मैंने इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग जो है हमारे पास बॉक्स के लेबल भी आ जाएंगे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ठीक है आप इसको मार्क एज शिप मतलब करेंगे जब हम उसको शिप कर लेंगे। अब वो कह रहा है अब यहाँ पर हमें डिटेल आ गई है कि हम कहाँ से इसको शिप कर रहे हैं और किस जगह हमने इसको शिप करना है। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो बॉक्सेस हैं उसका लेबल प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आप उसका साइज बता देंगे कि आप इस साइज 1 लेबल ऑन A4 साइज चाह रहे हैं या ये चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर लेती हूँ और मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो यहाँ पर अब मेरे दोनों बॉक्सेस के लेबल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास एक फाइल डाउनलोड हो गई है, ये मेरे पास 2 लेबल आ गए हैं। अब ये 2 लेबल हमारे बाहर बॉक्सेस पर लगेंगे जो बॉक्सेस हम लोगों ने
बनाए, ठीक है। आई होप कि इट इज क्लियर नाउ कि अभी हम अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक ये कम्प्लीट है, हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लिया, अपने लेबर जनरेट कर लिए, लेबल जनरेट करके अब ये जो लेबल लेबल की दो फाइल्स हमारे पास क्रिएट हुई हैं, ये फाइल्स हमने सेंड कर देनी है अपने सेलर को। सेलर जो है वो हमारे हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर भी लेबलिंग कर देगा, फिर उनके बॉक्सेस को पैक करेगा, पैक करने के बाद दोनों बॉक्सेस पर बाहर लेबलिंग कर देगा, ठीक है। तो ये जो ये एक लेबल जो बड़ा लेबल है वो आपका बॉक्स के दोनों बॉक्सेस पर लगेगा, ठीक है, जो बाहर से स्कैन होगा, और बाकी जो लेबल है फिनिश की वो आपकी ईच प्रोडक्ट पे लगेंगे। इस तरह आपकी हर 300 प्रोडक्ट्स पर भी लेबलिंग होगी, और जब आप बॉक्स पे डालेंगे तो फिर आपके दोनों बॉक्सेस पर भी एक लेबल लगेगा, और फिर वो रेडी हो जाएंगे शिप करने के लिए अमेजोन वेयर हाउस, और उसके ऊपर मेंशन होता है बकायदा कि ये कहाँ पर शिप होना है, कहाँ से शिप हो रहा है, क्या फोन नंबर है, क्या डिटेल है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपका यूज होगा, शिपमेंट प्लान क्रिएट हो गया, लेबल आपने जनरेट कर लिए, ये अभी आपने लेबल जनरेट किए, आप ये लेबल जनरेट करके आप अपने सेलर को देंगे, वो इसको प्रेप सर्विसेज में यूज करेगा, और जब वो रेडी हो जाएगा शिप करने के लिए, देन आपको पास जो भी डिटेल आएगी आप इसको मार्क ऑल एज शिप्ट कर देंगे, इसको इस जगह पर आप क्लिक कर देंगे। आप मार्क ऑल एज शिप्ट जब करेंगे तो अमेजन आपसे ट्रैकिंग नंबर मांगेगा, जैसे ही आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है आप ट्रैकिंग नंबर उसमें ऐड कर दें तो आपकी जो शिपमेंट है वो ट्रैक होती रहेगी, जैसे ही उधर डिलीवर होगी आपको आपकी फर्दर प्रोसेसिंग उस पर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है जो कि हम लोगों ने प्रेप सर्विसेज का जो प्रोसेस है वो उसके लिए जो लेबलिंग चाहिए वो हमने यहाँ से जनरेट कर ली है शिपमेंट प्लान क्रिएट करके, और ये जो लेबल्स है अगर आप खुद प्रेप सर्विसेज कर रहे हैं, पाकिस्तान से भेज रहे हैं, तो ये सब चीजें आप खुद अपने हाथ से इसको भी कर सकते हैं, अपने मैन्युफैक्चरर को भी दे सकते हैं कि वो इसको लगा दें। मोस्टली पाकिस्तान में तो आपके लिए ईजी है, आप इस तरह से शिपमेंट प्लान क्रिएट करें, आप अपनी प्रोडक्ट अगर खुद शिप कर रहे हैं तो अपनी हर प्रोडक्ट पर आप उसको लगाएंगे, बॉक्स के बाहर लगाएंगे और उसको शिप कर देंगे। इनकेस अगर आपने चाइना भेजना है तो आप अपने सेलर को भेज देंगे, पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरर को भेजना तो आप उनको सेंड कर देंगे, वो इसके ऊपर यूज कर देंगे। तो इस सारे प्रोसेस के थ्रू जब ये रेडी हो जाएगा तो देन आप इसको शिप करेंगे, शिप करने के बाद आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगा, देन आप इसको मां कैश शिप करेंगे और वो ट्रैकिंग आईडी आप अमेजोन के डिटेल में डाल देंगे, मां कैश मार्क ऑल एज शिप के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तब आप उसमें ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे, वो ट्रैक होता रहेगा। That was the complete process to generate the FNSQ. यहाँ तक हमारा sourcing का portion clear है। हमारा जो sourcing का portion है, जिसमें जो जितना आप digitally operate करते हैं, वो सारा हम लोग देख चुके हैं, हम लोग उसको study कर चुके हैं, क्या-क्या क्या-क्या चीजें understand करनी है, किस तरह से उनको contact करना है, किस तरह से चीजों को select करना है, क्या templates use करनी है, यूज करने के बाद किस तरह से आपने उनके साथ डील करना है, क्या प्रेप सर्विसेज के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपने कैसे जनरेट करनी है, और फिर उनको सेंड करना है, फिर वो शिप करेंगे। अब शिपमेंट पॉलिसीज के लिए जो डिफरेंट रूल्स भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एयर शिपमेंट का बता दिया है मैंने, सी शिपमेंट का बता दिया है, उसके जो रूल्स और पॉलिसीज हैं हर कंट्री में अलग होते हैं, तो उसमें यूएसए के भी जनरली रूल्स मैंने आपको बता दिए थे कि कितने से कितने वर्थ की जो आपकी शिपमेंट होती है उस पर ड्यूटीज चार्ज नहीं होती है, कितने से ड्यूटीज चार्ज होना स्टार्ट होती है, आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसके अंदर वो ड्यूटीज को देख सकते हैं कि किस कंट्री में क्या ड्यूटीज अप्लाई होती है। लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी में भेज रहे हैं तो उसके ऊपर कोई ड्यूटीज अप्लाई नहीं होती, और आपकी जो शिपमेंट कंपनीज है वो ऑलरेडी खुद मैनेज कर लेती है। तो ये सारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद जो आप हम नेक्स्ट मॉड्यूल में एंटर होंगे, दैट इज रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो फिर आपका ये सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा कि वो जो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद हम लोगों ने ये जो शिपमेंट प्लान क्रिएट किया है, ये सारा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड कीवर्ड रिसर्च एंड इट्स कंप्लीट फॉर्मेशन। होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।